हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है। तो देखो, एनवायरनमेंट की नॉर्मल मीनिंग होती है सराउंडिंग, कि अपना सराउंडिंग कैसा है वो अपना क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। और अगर एकदम स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें तो सम या टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स विच सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स है जो उसको चारों तरफ से कवर कर रहे हैं, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म, जिसका उस ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे डायरेक्टली पड़ रहा है चाहे इनडायरेक्टली पड़ रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे, एनवायरमेंट कहेंगे। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, जैसे वो ऑर्गेनिज्म अपन भी हो सकते हैं और कोई दूसरा भी हो सकता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं उसके चारों तरफ कौन कौन से लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग मतलब प्लांट एनिमल्स कौन कौन से, और नॉन लिविंग थिंग मतलब वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां की सॉइल कैसी है, रेनफॉल कितना हो रहा है, ये सारी चीजें उसके जो चारों तरफ है उसे उसका क्या कहते हैं, एनवायरमेंट। और ये एनवायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे अपने आसपास कितनी बारिश होगी, क्या इसका अपने ऊपर इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्या पड़ता है। कितना टेम्परेचर है उसका भी पड़ेगा, कौन कौन सी क्रॉप लगती है उसका भी पड़ेगा, कौन कौन से एनिमल्स है, कौन कौन से प्लांट है, ये सारी चीजें अपने को अफेक्ट करती है। ठीक वैसे वैसे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ की ये सारी चीजें जिसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों आती है, जो उसको अफेक्ट करती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। अब इस एनवायरमेंट की एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। जो एनवायरमेंट होता है उसकी क्या होती है, यूनिट होती है, जिसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इसमें अपन क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट। किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात करें, ठीक है, यहां पर एनवायरमेंट में अपन ने वो जगह फिक्स नहीं की थी, जबकि इकोसिस्टम में अपन क्या कह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें, उन सब का आपस में इंटरेक्शन होता है, इस पूरी चीज को अपन क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, इंटरेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे एक डॉग जब कैट को देखता है तो वो उसे मार देता है, ये भी एक इंटरेक्शन है, ठीक है। अपन किसी गाय को देखते हैं उसे खाना खिलाते हैं, ये भी एक इंटरेक्शन है। अपन किसी पेड़ को पानी पिलाते हैं, ये भी एक इंटरेक्शन है। अपन उस क्रॉप से फूड लेते हैं, ये भी एक इंटरेक्शन है। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनका आपस में इंटरेक्शन, और साथ में उस एरिया के जो भी नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी एनवायरमेंट में नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनको कलेक्टिवली एक साथ क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। यहां पर इस और इस डेफिनेशन में वैसे देखें तो ज्यादा फर्क नहीं है, नॉन लिविंग लिविंग उधर भी है, नॉन लिविंग लिविंग इधर भी है, लेकिन वहां उनका इंटरेक्शन नहीं स्टडी किया जाता। इकोसिस्टम में क्या किया जाता, उनका इंटरेक्शन स्टडी किया जाता। यही वजह है कि जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो एनवायरमेंट इकोसिस्टम की जब डेफिनेशन समझाएंगे तो आपको कहेंगे कि इकोसिस्टम जो होता है वो एनवायरमेंट का स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब जैसा कि उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इसमें भी है, और साथ में कहेंगे फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि एनवायरमेंट में अपन ने इंटरेक्शन की बात नहीं की थी, इकोसिस्टम में अपन ने उसके आपस में इंटरेक्शन की भी बात की है। तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। अब एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट कितने होते हैं, तो दो कंपोनेंट होंगे, डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ नॉन लिविंग और लिविंग। तो एक तो होता है एबायोटिक कंपोनेंट और एक क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में कौन आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती है, जैसे कि वहां का टेम्परेचर, वहां की रेनफॉल, वहां की विंड सॉइल, वहां कितने मिनरल्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट जो होता है उसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डीकंपोजर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डीकंपोजर। अब ये क्या होते हैं इसको अभी अपन समझेंगे, लेकिन बायोटिक में कौन से आते हैं, सारी लिविंग थिंग आती। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का क्या मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में वो क्या कुछ प्रोड्यूस करेगा, बोले तो फूड बनाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर। और आप सब बचपन से जानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखते हैं, उनको अपन क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर कह सकते हैं, क्योंकि वही फूड बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर में कौन से लिविंग कंपोनेंट आते हैं, जो ऑटोट्रॉप होते हैं।
तो ऑटोट्रॉफ ऑफ इकोसिस्टम उसे अपन क्या कहेंगे, नॉन एज प्रोड्यूसर, इकोसिस्टम नहीं कहलाएगा, नॉन एज क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे, ठीक है। दे फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल। इसको समझते हैं, देखो जो प्रोड्यूसर होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करते समय वो क्या यूज करते हैं, CO2 और H2, और CO2 और H2O दोनों इनऑर्गेनिक चीजें। तो देखो यहां लिखा हुआ ना फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वो इन दोनों की बात कर रहे हैं। बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में ऐसा हो सकता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऐसा हो सकता है। और फिर ये इनको यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं, ये C6H12O6, लाइफ प्रोसेस में ये पढ़ाते हैं अपन को। तो ये जो चीज बनी है ये क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक तरह की क्या है, सुगर। बाद में प्लांट क्या करते हैं, सुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। यही वजह है कि यहां क्या लिखा हुआ, दे फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सुगर एंड स्टार्च, और किससे बनाए, इनऑर्गेनिक चीजों से, क्या यूज की है, सनलाइट, और किसकी प्रेजेंस में, क्या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। बेसिकली अपन ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑटोट्रॉप होंगे, वो इकोसिस्टम के क्या है, प्रोड्यूसर। एकदम सिंपल। कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते हैं, बाकी ग्रीन प्लांट तो आते ही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर के वर्ड से ही क्लियर है, कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करना, मतलब कुछ लेना। तो वो लिविंग कंपोनेंट, यहां पर अपने बायोटिक में प्रोड्यूसर हो गया, अब वो लिविंग कंपोनेंट, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करे, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करे, उसे कंज्यूमर कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है। जैसे एक हिरन है वो प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, क्योंकि हिरन या डियर जो होती है वो उस ग्रास को डायरेक्टली खाती है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। शेर वैसे देखे तो पेड़ नहीं खाता या ग्रास नहीं खाता, लेकिन वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। कैसे इनडायरेक्टली, अगर मान लो वहां प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो हिरन नहीं होगी, और हिरन नहीं होगी तो शेर क्या खाएगा। इसका मतलब शेर जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, हिरन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, नॉन एज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, ओमनीवोरस हो सकते हैं, और पैरासाइट हो सकते हैं। आप सब जानते होंगे, वैसे मैं समझा देता हूं, हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट लाइक चीजें खाते हैं, बोले तो प्रोड्यूसर को खाते हैं। कार्निवोरस कौन से होंगे, जो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट भी कंज्यूम कर सकते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमन एक ओमनीवोरस है। और पैरासाइट क्या होते हैं, जो किसी को कंज्यूम नहीं करते, उनके ऊपर लगकर उनसे न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, सक करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर इनका ये नेचर हो सकता है। इकोसिस्टम में कंज्यूमर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होंगे जो प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, बेसिकली वो प्रोड्यूसर को खाते हैं या उनके प्रोडक्ट को खाते हैं। तो कंज्यूम प्रोड्यूसर उन्हें क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। ऑब्वियस थिंग है, ये कैसे होंगे, हर्बीवोरस होंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। और क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर तो एनिमल्स है और एनिमल्स खाने वाले तो क्या होंगे, कार्निवोरस होंगे। टर्शियरी कंज्यूमर में कौन आएंगे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाते हैं उनको टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं, और ये भी कैसे होंगे, कार्निवोरस होंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल कार्निवोरस होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर लार्ज कार्निवोरस होते हैं। एकदम सिंपल। अब बात करते हैं तीसरे लिविंग कंपोनेंट की, जो है डीकंपोजर। देखो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो एनवायरमेंट से क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, जैसे सॉइल से मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, CO2 का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, फिर फूड बनाते हैं। वो फूड किस में चला जाता है, कंज्यूमर में चला जाता है। इस तरीके से जो धीरे धीरे एनवायरमेंट पे न्यूट्रिएंट्स या इन कंपोनेंट की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा, तो फिर ये वापस बन कहां से रहे, ये रोल निभाते हैं कौन, डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मरने के बाद उनकी डेड बॉडी से ये सारी चीजों को वापस रिलीज कर देते हैं।
मतलब ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो प्लांट ने क्या यूज किया था, इनऑर्गेनिक, फिर उसको किसमें कन्वर्ट किया था, ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक किसमें गया, कंज्यूमर में। अब डीकंपोजर उनके मरने के बाद उस ऑर्गेनिक को वापस किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक, और वापस इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे तो जो नए प्रोड्यूसर होंगे उसके लिए अवेलेबल होगा। तो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और कहां से ये करेंगे, फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब जो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये वापस नेचर में अवेलेबल है किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, ताकि ये साइकिल चलता रहे। कौन से होते हैं डीकंपोजर, बैक्टीरिया, मैं फिर कह रहा हूं ये बैक्टीरिया अलग है, ये बैक्टीरिया अलग है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये दूसरे वाले बैक्टीरिया, और फंगाई, वो डीकंपोजर में आती है। अपनी बुक के पीछे क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीकंपोजर, तो डीकंपोजर का क्या रोल होता है कि वो जो डेड बॉडीज जो होती है, जो चीजें होती है किसकी, अपने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की, उनसे वापस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं ताकि ये साइकिल चलता रहे, ठीक है। तो ये आपको लिखना है उसमें, कोई तकलीफ नहीं, एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इकोसिस्टम के क्या कुछ टाइप होते हैं, इकोसिस्टम क्या कुछ टाइप्स के होते हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इकोसिस्टम को, इस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि क्या वो नेचर में पहले से प्रेजेंट है और नेचर में ही अपने आप मेंटेन हो रहे हैं, या उसको किसी ह्यूमन ने बनाया और ह्यूमन उसे मेंटेन कर रहा है। इसके बेसिस पे इकोसिस्टम को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक इकोसिस्टम हो जाएगा अपना नेचुरल इकोसिस्टम, क्या हो जाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा इकोसिस्टम अपना कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियस थिंग है, जो ह्यूमन बनाता है और ह्यूमन ही मेंटेन करता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम और एक क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल क्या क्या होंगे, जैसे फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, और देखें तो अपन ग्रासलैंड, ठीक है, ऐसी ग्रासलैंड होती है ना, उसको अपन, ये भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है, उसका अपना क्या होता है, बायोटिक फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर होता है, फॉरेस्ट भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है। फिर आप कोई लेक ले लें, ठीक है, कोई पॉन्ड ले लें, ठीक है, या फिर अपने कोई ओशियन या सी ले लें, ये सारे किसके इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम का। इसको भी अपन डिवाइड कर सकते हैं कि ये वाले जो है लैंड इकोसिस्टम है, या इन्हें टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, और ये सारे कौन से हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, कैसे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, नेचुरल इकोसिस्टम की, ये तो हो गई नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में। फिर अपन देखते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो दो एग्जांपल अपन को याद रखने हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, एक तो क्रॉप लैंड, मतलब जहाँ अपन खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो क्रॉप लैंड या फार्म लैंड जो होता है वो, और एक अपना क्या हो सकता है, एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम बनाते हैं ना, तो एक्वेरियम अपन खुद बनाते हैं, उसका मेंटेनेंस वगैरह खुद करते हैं, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, गार्डन भी आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल है, अपने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के, इसमें से ये क्रॉप लैंड जो है वो लैंड इकोसिस्टम है, गार्डन एक लैंड इकोसिस्टम है, जबकि एक्वेरियम कैसा हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि इकोसिस्टम जो है दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, क्या वो लैंड पे है या पानी में, लैंड पे है तो उन्हें टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे, वाटर में है तो उन्हें एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक, पॉन्ड, ओशियन, सी, ये सब कौन से हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्रॉप लैंड, गार्डन, एक्वेरियम, ये किस में आते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं। और साथ ही साथ में इकोसिस्टम के एग्जांपल पूछे तो ये सारे अपन एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन लेते हैं फूड चेन के बारे में। तो देखो अभी तक अपन ने समझा कि एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फूड बनाते हैं, और उन प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी को कौन सेकेंडरी, और सेकेंडरी को कौन टर्सरी। तो ये देखो एक सीक्वेंस बन गया, और अगर इस सीक्वेंस में मैं सबका एक एक एग्जांपल लिखता जाऊं तो एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी, उसे ही क्या कहेंगे, फूड चेन। तो फूड चेन इज अ सीक्वेंशियल लीनियर रिलेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर। ये एक ऐसा लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब एक ही ब्रांच करनी है अपन को, जिसमें एक चीज कोई दूसरे को क्या करती है, खाती है। इट इंक्लूड हु ईट्स हुम इन एन इकोसिस्टम, ये बता
कि एक इकोसिस्टम में कौन किसको कंज्यूम करता है। जैसे ये सन है और सन से जो रेज आती है उससे ऑटोट्रॉप क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। फिर ऑटोट्रॉप को कौन कंज्यूम करेगा, प्राइमरी, प्राइमरी को कौन करेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी को कौन करेगा टर्सरी। अब ये चारों नाम को मैं एक एक एग्जाम्पल से रिप्लेस कर दूं तो एक चेन बन जाएगी जिसमें ये पता चलेगा कौन किसने किसको खाया, तो वो क्या कहलाएगी, फूड चेन कहलाएगी। जैसे कि अपनी बुक में तीन डायग्राम दे रखे हैं और वो तीन फूड चेन के एग्जाम्पल है। जैसे पहले फॉरेस्ट फूड चेन या फूड चेन इन फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट में क्या ट्री और प्लांट लगे रहते हैं, उसको कौन कंज्यूम करता है, डियर, डियर को कौन कंज्यूम करता है, वॉल्फ, वॉल्फ को कौन कंज्यूम करता है, टाइगर। तो ये एक पूरा चेन जैसा बन गया, इसको अपन क्या कहेंगे, फूड चेन। और इसमें अपन क्या बता रहे हैं कि ये वाला ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है, इस ऑर्गेनिज्म को ये खा रहा है, इस ऑर्गेनिज्म को ये खा रहा है, ये अपना प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रासलैंड फूड चेन, ग्रासलैंड फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है, ग्रास से, उसे कौन कंज्यूम करता है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम करता है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, ईगल। तो ये भी एक क्या बन गई, पूरी चेन बन गई। फिर है फूड चेन इन पॉन्ड, बेसिकली पॉन्ड में नहीं है, एक्वेटिक फूड चेन है, ठीक है, तो वहां पर कहां से स्टार्ट होगी, एक्वेटिक प्लांट से, एक्वेटिक प्लांट को कौन खाएगा, एक्वेटिक इंसेक्ट खाएगा, उन इंसेक्ट को कौन खाएगा, फिश खाएगी, और फिश को कौन खाएगा, जैसे ऐसे बर्ड्स होते हैं ना, जैसे बगुले जैसे बर्ड होते हैं, वो खाते हैं उनको। तो ये पूरी एक क्या बन गई, चेन बन गई, ठीक है। ये अपने क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो फूड चेन जो होती है वो उसमें क्या होता है, एक चेन, एक लीनियर रिलेशनशिप होता है जिसमें अपन को ये बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को कौन कंज्यूम कर रहा है, फिर उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये अपने फूड चेन की डेफिनेशन है और ये फूड चेन के अपने के क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम में जब आए तो पहले ये बनाए फिर एग्जाम्पल लिखे। एक चीज देखो, एक हाईलाइट चीज है, अच्छे से याद रखना, सनलाइट जितनी गिरती है अर्थ पे उसका सिर्फ 1% जो प्लांट जो है वो क्या कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी सोलर एनर्जी गिर रही है प्लांट उस सबको क्या कर पा रहे हैं, फूड में कंज्यूम, मतलब फूड बनाने के लिए यूटिलाइज कर पा रहे हैं, सिर्फ उसका 1% यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये डेटा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑटोट्रॉप कितनी परसेंटेज सोलर एनर्जी का यूज करते, तो ओनली 1%। अब आगे देखते हैं फूड चेन के करेक्टर्स देखते हैं। इन फूड चेन ईच स्टेप और फीडिंग लेवल इज नॉन एज ट्रॉफिक लेवल। देखो यहां पर मैंने चार लेवल बनाए, 1, 2, 3, 4, ये चारों लेवल क्या कहलाएंगे, ट्रॉफिक लेवल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ट्रॉफिक लेवल। इस ट्रॉफिक लेवल वाले पॉइंट के बाद में ये डायग्राम बना है, मेरे यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां बनाया। अब ये एक पॉइंट लिखकर पहले ये बनाया, इसको समझते हैं। देखो सबसे नीचे कौन है, प्रोड्यूसर, और वो जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। फर्स्ट क्यों है, क्योंकि फूड चेन यहीं से स्टार्ट होती है और इसमें जो आते हैं उनको क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे। और ये इस लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं अपना फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। और इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑटोट्रॉप्स आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, जो सोलर एनर्जी को फिक्स कर रहे हैं, फिक्स कर रहे मतलब सोलर एनर्जी को यूज करके कंपाउंड बना रहे एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटरोट्रॉप और बाकियों के लिए अवेलेबल करवाते हैं। फिर इनको कंज्यूम करने वाले कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये सेकेंड लेवल हो गया फीडिंग लेवल, मतलब इस लेवल पे जो है वो एक दूसरे को नहीं खा रहे, इस लेवल पे जो है वो भी एक दूसरे को नहीं खा रहे, इस वाले को ये वाले को खाते हैं। तो ये सेकंड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, तो ये सेकंड लेवल है, इसे सेकंड ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। इसमें हर्बीवोरस आते हैं, ठीक है। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं। और फिर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएंगे, टर्सरी कंज्यूमर आएंगे, जो कि लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, लार्ज कंज्यूमर, लार्ज कार्निवोरस कंज्यूमर कह सकते हैं। देखो यहां तक तो हर्बीवोरस थे, यहां पर पहली बार कार्निवोरस आए, इसलिए टर्सरी लेवल, टर्सरी ट्रॉफिक लेवल पे जो सेकेंडरी कंज्यूमर आ रहे हैं वो बेसिकली फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कार्निवोरस है, इसलिए इसे प्राइमरी कार्निवोरस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, देखो इसके नीचे कोई कार्निवोरस था ही नहीं, और इसके ऊपर वालों को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है ये, क्या होगा, सेकेंडरी कार्निवोरस होगा, ठीक है, सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर आते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे टर्सरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर में ऑटोट्रॉप्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर पे प्राइमरी कार्निवोरस या स्मॉल कार्निवोरस आते हैं, और फोर्थ जो टर्सरी कंज्यूमर था उसमें सेकेंडरी कार्निवोर या लार्ज कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। तो ये अपने ट्रॉफिक लेवल,
ट्रॉफिक लेवल पे आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, इसकी डेफिनेशन है और ये इसके बारे में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये फूड चेन की पहली पॉइंट थी। दूसरा, देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यहां से एनर्जी ऑटोट्रॉफ से, ऑटोट्रॉफ से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी से कहां जा रही है, टर्शियरी कंज्यूमर। तो क्या एनर्जी का फ्लो इक्वल इक्वल हो रहा है, मतलब जितना प्रोड्यूसर में उतनी की उतनी एनर्जी अगले में जा रही। तो देखो, एक फिजिक्स का एकदम सिंपल सा रूल होता है कि जब एक चीज से कोई दूसरी चीज बनती है, मतलब एनर्जी जब एक चीज से दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट होती है, तो कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ओनली 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से इधर। मतलब अगर मैं ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट करूं, तो ऑटोट्रॉफ में जितनी एनर्जी होगी उसका सिर्फ 10% प्राइमरी में जाएगा, उसका सिर्फ 10% सेकेंडरी में जाएगा, उसका सिर्फ 10% टर्शियरी में जाएगा। इससे कंफ्यूज मत होना, यहां से फूड चेन स्टार्ट हुई थी। ये तो वो है कि सनलाइट का कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब करती है, 1%, ठीक है, ये अलग चीज है। ऑटोट्रॉफ से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो कितनी हो रही है, ओनली 10%। ऑटोट्रॉफ से प्राइमरी कंज्यूमर में 10%, मान लो ऑटोट्रॉफ्स में 100 जूल एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में उसका 10% बोले तो 10 जूल एनर्जी जाएगी। बात समझ में आ रही? तो एक से दूसरे में जाते समय सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण लिखा है मैंने यहां कि व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज इनटू अनदर, सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट इन फॉर्म ऑफ विच वी कांट यूज अगेन। मतलब जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वो कुछ अमाउंट उसका लॉस हो जाता है। तो देखो, जब प्रोड्यूसर ने अपना फूड बना लिया, फिर इस प्रोड्यूसर को जब दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, तो जितना उसने कंज्यूम किया उस सारी एनर्जी को वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, उसका सिर्फ 10% ही वो अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो एन एवरेज ओनली 10% फूड ईटन इज टर्न इनटू ओन बॉडी, किसी एक ऑर्गेनिज्म जब जहां से वो अपना फूड ले रहा है उसका, जहां से फूड ले रहा है उसका सिर्फ 10% ही वो अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, फिर उसको जो खाएगा वो उसका 10% स्टोर कर पाएगा, ठीक है। एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूसर के पास अगर मैं कहता हूं कि 100% एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास उसका 10%, टर्शियरी के पास उसका भी 10%, और सॉरी सेकेंडरी के पास और टर्शियरी के पास उसका भी 10%, 0.1%, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी, लॉस होती जाएगी, सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होती है। और यही वजह है कि जैसे जैसे अपन टॉप कंज्यूमर की तरफ बढ़ते हैं एनर्जी कम होती जाती है। और यही वजह है कि एक फूड चेन में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लेवल हो सकते हैं। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि 3 से 4 लेवल हो सकते हैं, तो अपन को वो रखना है, वैसे 5 लेवल भी हो सकते हैं, ठीक है, अपन को अपनी बुक के हिसाब से आंसर लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यूजुअली देयर आर 3 और 4 स्टेप इन ट्रॉफिक लेवल। 3 और 4 स्टेप्स ही क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे एनर्जी कम होती जाएगी, अब इसके अगले लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए क्या बचेगा, उसके पास तो एनर्जी नहीं है। मैं मास की बात नहीं कर रहा हूं, वो जितना एनर्जी, मतलब एनर्जी कितनी आ रही है, वो एनर्जी कम बचेगी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि एक फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं या कितने स्टेप हो सकते हैं, तो 3 से 4। और अगर आपको पूछे ऐसा क्यों, तो क्या लिखेंगे, पहले तो ये 10% वाला समझाएंगे कि भाई सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है, फिर लिखेंगे कि ओनली 10% ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remain after 4 trophic level. मतलब धीरे धीरे एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि 4 लेवल के बाद में एनर्जी इतनी कम बचेगी कि कोई क्या यूज करेगा। यही वजह कि फूड चेन की लेंथ कितनी होती है, सिर्फ 3 या 4 स्टेप तक होती है, ठीक है। यहां ये पूरा अपने फूड चेन के बारे में, अगर फूड चेन के बारे में बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये पूरा लिख सकते हैं, ये फूड चेन के करेक्टरिस्टिक्स हो गए। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, फूड चेन की डेफिनेशन, ये एग्जांपल हो गए। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, ट्रॉफिक लेवल पूछ सकते हैं, तो ये ट्रॉफिक लेवल और ये उसका डिस्क्रिप्शन। और क्या पूछ सकते हैं, 10% एनर्जी लॉग क्या होता है, कि भाई एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो सिर्फ 10% ही जाते हैं, कारण पूछे तो ये कारण लिख सकते हैं। एक ये पूछ सकते हैं कि एक फूड चेन में कितने लेवल होते हैं, तो 4 हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं है, तो फिर ये वाला कारण लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन फूड वेब के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं फूड वेब के बारे में। तो देखो, फूड वेब क्या होता है, वेब का मतलब आप सब जानते हो, नेटवर्क लाइक बन जाना, एक जाल जैसा बन जाना। तो इसको देखो, अपन पहले समझते हैं कि अभी तक अपन ने क्या देखा था, फूड चेन देखा था, ठीक है। तो फूड चेन में अपन क्या लिखते हैं कि भाई
एक प्रोड्यूसर का एग्जांपल लिखते हैं, फिर एक प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसको कंज्यूम करने वाला एक सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जांपल लिखते हैं, फिर एक टर्शियरी कंज्यूमर का एग्जांपल लिखते हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या उस पर्टिकुलर जगह पर एक ही तरह का प्रोड्यूसर है, एक ही तरह का प्राइमरी कंज्यूमर है, एक ही तरह का सेकेंडरी कंज्यूमर है, एक ही तरह का टर्शियरी कंज्यूमर है? तो आंसर है सर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोड्यूसर हो सकते हैं, बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, बहुत सारे ही टर्शियरी कंज्यूमर हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि ये ग्रास है, ग्रास एक प्रोड्यूसर है और इसे रैट ने कंज्यूम कर लिया, तो रैट क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फिर इसको स्नेक ने कंज्यूम कर लिया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और फिर इसे ईगल ने कंज्यूम किया तो ये क्या हो गया? टर्शियरी कंज्यूमर। अब मुझे बताओ, क्या ग्रास को सिर्फ रैट ही खा सकता है? ग्रास को तो ग्रास हॉपर भी कंज्यूम कर सकता है, और ग्रास हॉपर को फ्रॉग कंज्यूम कर सकता है, और फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर सकता है? स्नेक कंज्यूम कर सकता है, और स्नेक को कौन कंज्यूम कर सकता है? ईगल कंज्यूम कर सकता है। तो ये एक और फूड चेन हो गई। और इस रास्ते में भी देखो तो यहाँ फ्रॉग को आने के बाद फ्रॉग को कोई बर्ड्स भी तो खा सकता है, और फिर वो बर्ड को टाइगर भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपन ने किया था कि भाई यहाँ पर ये रैट, रैट के बाद ईगल, जरूरी है रैट को तो कैट भी कंज्यूम कर सकती है, रैट को ईगल खुद भी कंज्यूम कर सकता है, कैट को वॉल्फ कंज्यूम कर सकती है, टाइगर कंज्यूम कर सकता है। कहने का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा तरह के, जैसे मैंने यहाँ पर तीन तरह के प्रोड्यूसर बनाए, और फिर उनको कंज्यूम करने वाले बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, एक तरीके का नहीं है, और फिर उनको कंज्यूम करने वाले भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, और ये सारे जो है एक एक पाथ जो है एक एक फूड चैन को डिनोट करता है। जैसे ये एक रास्ता फूड चैन है, ये एक रास्ता फूड चैन है, ये ऐसे होता हुआ एक फूड चैन है, ये ऐसे होता हुआ एक फूड चैन है, और ये सारी फूड चैन आपस में मिलकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती है, उसे अपन क्या कहेंगे? फूड वेब कहेंगे। तो फूड वेब क्या है? बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ फूड चैन विच बिकम इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। मतलब फूड चैन क्या है? नेटवर्क ऑफ क्या है? फूड चैन है जो आपस में एक दूसरे से अलग अलग लेवल पे कनेक्टेड है। इन फूड वेब अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन यूज टू रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांच लाइन यूज कर रहे हैं, देखो ये इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ये इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो ब्रांचिंग लाइन यूज करते हैं, और वो क्या बताता है कि वन ऑर्गेनिज्म जो है उसको कंज्यूम करने वाले एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और फिर उनको भी कंज्यूम करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसा फूड चैन का जो एक नेटवर्क बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे? फूड वेब कहेंगे, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। फूड वेब में अपन ऑल पॉसिबल जो होते हैं, ऑल तो नहीं कहेंगे लेकिन एक से ज़्यादा पॉसिबल अपन क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर बनाते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। एक देखो अपनी बुक में क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल, क्या होगा अगर एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर दें? तो अपन देखो पहले ऐसे नोट कर देंगे कि ये भाई फोर ट्रॉफिक लेवल है। सपोज करता हूं कि मैंने इसको किल कर दिया, इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सारे मैंने खत्म कर दिए। अगर मैं इसके सारे ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दूंगा तो बताओ फोर्थ ट्रॉफिक लेवल वाले क्या कंज्यूम करेंगे? वो तो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो अगर ये सारे खत्म हो जाएंगे तो इनको भी खत्म होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इनके पास कंज्यूम करने को कुछ नहीं। अब ऊपर के जो लेवल है अगर वो सारे हट जाएंगे तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल की जो ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि उनको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं। और अगर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओवर से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ऐसा करेंगे कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे क्योंकि ओवर ईटिंग शो करेंगे। तो एक तरीके से ये तीन ट्रॉफिक लेवल खत्म हो गए। अब लास्ट में सेकंड वाला बचा, अब सेकंड वाला अकेला क्या करेगा? क्योंकि फिर फर्स्ट ही नहीं बचा, तो फर्स्ट नहीं बचा तो फूड कहाँ से लाएंगे? और इस तरीके से पूरा ही फूड चैन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, इकोसिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल द ट्रांसफर ऑफ फूड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल स्टॉप एंड दे डाई, ठीक है। देयर विल बी ओवर पॉपुलेशन इन प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, जैसे इसमें ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ हायर कंज्यूमर, और दिस ओवर पॉपुलेशन डिक्रीज द प्रीवियस लेवल, इसको कम कर देगा, क्यों? ड्यू टू ओवर ईटिंग, ठीक है। सो इट विल ब्रिंग इम्बेलेंस इन इकोसिस्टम विच फाइनली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ होल इकोसिस्टम। एक बार मैं फिर समझाता हूँ,
थर्ड को अगर खत्म करेंगे तो फोर्थ खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड ओवर पॉपुलेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं बचा, ये दोनों तो खत्म हो गए, ठीक है, और इसकी ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये इसको खत्म कर देगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो ये खुद भी खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखो इसको आप समझे, देखो कुछ सब्सटेंस अभी अपन आगे इसी चैप्टर में देखेंगे, कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिसे नेचर में कोई ना कोई ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो उसके टुकड़े कर सकती है, उसे और स्मॉल थिंग में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। ऐसी चीजें डिग्रेडेबल कहलाएगी, बायोडिग्रेडेबल, अभी अपन आगे देखेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होगी जिनको ऐसा नहीं कर सकते, जैसे पॉलीथीन हुआ, पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना पेस्ट को मारने के लिए, वो हुए, ग्लास हुआ, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें नेचर में कोई भी चीज क्या नहीं कर सकती, बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ नहीं पाएगी, इनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब मान लो एक कोई फॉर्म था और उस फॉर्म में मतलब खेती बाड़ी कर रहे थे, वहां पर अपन सॉइल में पेस्टिसाइड मिलाया ताकि वहां पर सॉइल में जो पेस्ट है वो सब हट सके। अब वो पेस्टिसाइड में से कुछ अमाउंट, ऐसे तो वो सारी अमाउंट चली जाती है, लेकिन कुछ अमाउंट प्रोड्यूसर ने एब्जॉर्ब कर ली, तो वो कहां चली गई? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसके अंदर चला गया? फूड चेन के अंदर चला गया, प्रोड्यूसर के पास आ गया, इसका मतलब फूड चेन में आ गया। अब अपन अभी अपन ने समझा कि फूड चेन में प्रोड्यूसर को आगे कौन कंज्यूम करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। तो वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल था वो पहले तो प्रोड्यूसर में आएगा, प्रोड्यूसर से किस में चला जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी से किस में चला जाएगा? सेकेंडरी में। सेकेंडरी से किस में चला जाएगा? टर्शियरी में। और साथ में एक और चीज होगी, प्रोड्यूसर के कंपेयर में प्राइमरी कंज्यूमर में उसकी अमाउंट ज्यादा होगी, प्राइमरी के कंपेयर में सेकेंडरी में ज्यादा होगी, क्योंकि वो उनको कंज्यूम कर रहा है, और सेकेंडरी के कंपेयर में टर्शियरी में ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे फूड चेन में ये चीज आगे बढ़ती जाएगी वो और ज्यादा इकट्ठी होती जाएगी, और ज्यादा मैग्नीफाइड होती जाएगी, और वो मैग्नीफाइड किस में हो रहा है? लिविंग थिंग में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सच एज पेस्टिसाइड When enters into food chain, और food chain में कहां से enter करेंगे? क्योंकि producer उन्हें nutrients के साथ soil से ले लेंगे। It accumulate, accumulate मतलब इकट्ठा होना, in tissue, वो producer के tissue में इकट्ठा हो जाएंगे। And concentration increase along with the food chain, और इसकी concentration food chain के along बढ़ती जाएगी, मतलब producer के tissue में, जब प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर, तो उसके टिश्यू में चले जाएगा। अब वो उसे बार बार खाएगा, इसका मतलब उसमें और ज्यादा बढ़ेगी। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करेगा उसमें एक बार में ही प्रोड्यूसर में जितनी थी अमाउंट वो उसमें चली गई, और फिर जितनी बार वो उसको कंज्यूम करेगा उतना बढ़ता रहेगा। इसका मतलब प्रोड्यूसर के कंपेयर में प्राइमरी में ज्यादा होगा, प्राइमरी के कंपेयर में सेकेंडरी में ज्यादा होगा, टॉप कंज्यूमर में सबसे ज्यादा होगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कौन सबसे ज्यादा होगा? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल होगा। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन मतलब सबसे ज्यादा इकट्ठा होना कहां होगा? वो टॉप कंज्यूमर में होगा, और वहां पर वो केमिकल इतनी अमाउंट में होगा कि वहां कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट करेगा, ठीक है। अपनी बुक कहती है कि ह्यूमन जो है वो किसी भी फूड चेन के टॉप लेवल पे, इसका मतलब वो कैसा है? टॉप कंज्यूमर। तो ये सारी चीजें उसके अंदर इकट्ठा होगी और उसमें हार्मफुल इफेक्ट डालेगी। देखो एक एग्जाम्पल है सिंपल सा, अपन आम जिंदगी में मतलब फार्मर्स वगैरह जो होते हैं जो क्रॉप ग्रो करवाते समय पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, और फर्टिलाइजर केमिकल्स होते हैं, मैं मैन्योर की बात नहीं कर रहा, फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूं, वो केमिकल्स होते हैं वो डालते हैं, ये सारे केमिकल उन प्लांट के अंदर चले जाएंगे और फिर उन्हें अपन कंज्यूम करेंगे तो वो अपने अंदर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहे हैं और अपन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से वो केमिकल फूड चेन में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इतना इकट्ठा हो जाता है टॉप कंज्यूमर में या जो सबसे लास्ट में कंज्यूम करता है कि उसमें हार्मफुल इफेक्ट डालता है। एक एग्जाम्पल 12th क्लास में दे रखा है, उससे आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहां समझा रहा हूं। देखो एक होता है डीडीटी पाउडर, डीडीटी पाउडर एक तरह का पेस्टिसाइड है, तो प्रोड्यूसर के आसपास डाला जाता है, सपोज करता है कि उसकी अमाउंट है 0.003 पीपीबी, पीपीबी क्या होती है? पार्ट्स पर बिलियन, कंसेंट्रेशन मेजर करने की एक यूनिट होती है, तो बहुत कम अमाउंट प्रोड्यूसर में। अब प्रोड्यूसर को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो ये डीडीटी भी उनमें जाता है और उसके कंपेयर में इसमें देखो अमाउंट ज्यादा हो गई, 0.04 हो गई। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया तो उसके अंदर आने लगी और धीरे धीरे उसमें अमाउंट इससे भी ज्यादा है। तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे अमाउंट बढ़ती जा रही,
फिर सेकेंडरी को जब टर्शियरी ने खाया तो उसमें 2 ppb हो गई, कहां 0.03 थी और 2 तक आ चुकी, तो और ज्यादा बढ़ गई। अब ये टर्शियरी कंज्यूमर को कोई बर्ड्स खाए या फिर जो वल्चर वगैरह होते हैं जो डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं, जब वो खाते हैं तो उनके अंदर और ज्यादा अमाउंट बढ़ जाती है, कितनी हो गई 5 ppb हो गई। ठीक है, अब ये 5 ppb का जो DDT उनके अंदर है, उनके अंदर हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है। और क्या हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है, जब वो एग बदित है, मतलब बर्ड्स क्या करते हैं एग देते हैं, तो उनकी जो आउटर मोस्ट सेल जो होती है वो थिन होने लगती है, और वो इतनी थिन हो जाती है कि बर्ड का जो एग के अंदर जो डेवलपमेंट चल रहा है एम्ब्रियो का, वो पूरा होने से पहले ही एग टूट जाता है, और एग टूट जाएगा तो वो बच्चा बाहर आ जाएगा, पहले ही इनक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही पहले ही टूट जाएगा तो वो मर जाएगा। धीरे धीरे इन बर्ड्स के नंबर कम होने लगे, और ये एक कारण था वल्चर जैसे बर्ड्स की अमाउंट मतलब नंबर में कमी का। तो देखो कैसे फूड चेन में कोई केमिकल एंटर करके इतना लेवल बढ़ जाए कि किसी ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट भी डाल सकता है। ये एक एग्जांपल है किसका, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो अपनी बुक में टॉपिक है वो है कि हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इसको देखो समझो, देखो ये अगर मैं मानता हूँ ह्यूमन है और ये इसका सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग में जो भी चेंजेज होता है वो कौन किसको अफेक्ट करता है, ह्यूमन को अफेक्ट करता है। और सिमिलर वे में ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी किसको अफेक्ट करती है, सराउंडिंग को अफेक्ट करती है। मतलब एनवायरनमेंट जो होता है उसमें कोई भी चेंज होता है तो ह्यूमन अफेक्ट होता है, और ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी करता है तो कौन अफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। तो वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एज चेंज इन एनवायरनमेंट अफेक्ट अस इन द सिमिलर वे अवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरमेंटल अराउंड अस। अब ऐसी क्या क्या एक्टिविटी होती है जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है, और वो भी अपन वो डिस्कस करने वाले जो हार्मफुल वे में अफेक्ट कर रही है। तो एक तो होता है पॉल्यूशन, ह्यूमन जो होता है बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट करता है और वो एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। एक ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है और एक वेस्ट जो है उसकी अमाउंट को बहुत ज़्यादा वो बढ़ा रहा है। पॉल्यूशन देखो अपने इस साल सिलेबस में नहीं है, अपन ने 9th में किए थे। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट कि भाई वेस्ट कैसे बढ़ाता है, उसका डिस्पोजल कैसे होता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे हो रहा है और किस वजह से ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ये सब अपन अपनी बुक में दे रखे हैं। तो अपन इन दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इन दो टॉपिक से पढ़ेंगे कि अवर एक्टिविटी से ह्यूमन कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब पहले स्टार्ट करते हैं ओजोन लेयर और इट्स डिप्लेशन से। तो देखो ये टॉपिक समझने से पहले सबसे पहले तो अपन को ये समझना चाहिए कि ओजोन क्या होती है। भाई ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो ऑक्सीजन एक एटम होता है, आप सब जानते हैं, और ऑक्सीजन जब कंबाइन होती है तो O2 बनती है, इसे कहते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और ये अपने सब के रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है, अपन सब जानते हैं। लेकिन अगर इस ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन का एटम ऐड कर दिया जाए तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसमें 3 एटम है, और ये ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो ही क्या कहलाता है, ओजोन कहलाता है। ठीक है, तो ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इसलिए 3 एटम्स है इसलिए अपन O3 से डिनोट करते हैं। O2 जो है वो बहुत ही यूजफुल गैस है अपने लिए, अपने जीने के लिए बहुत जरूरी है, अपन अंदर कंज्यूम करते हैं और अपने अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करवाती है। लेकिन अगर O3 अपन ले लें तो वो एक पॉइजनस गैस है, और इतनी पॉइजनस है कि मार भी सकती है। तो क्या ओजोन खराब भी है? आंसर है कि अगर अपने सराउंडिंग में ओजोन है तो वो खराब है क्योंकि वो पॉइजनस है, लेकिन अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक लेयर ओजोन की भी है, बहुत ऊपर है। ठीक है, और ये अपने चारों तरफ एक बहुत ही वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती है जिसको अपन को समझना है। कोई तकलीफ नहीं अभी तक? तो देखो इसको समझते हैं अपन की क्या है। देखो ये अपना अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ जो है एनवायरमेंट उसको अपन क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती है। सबसे नीचे कौन सी होती है? ट्रोफोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ठीक है, अपन को इन लेयर के नाम से कुछ नहीं करना, मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकेंड लेयर होती है वहाँ पर ओजोन की एक थिक लेयर बनी हुई है, और उस थिक लेयर को ही अपन क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अपनी अर्थ है
और ये अर्थ के ऊपर ट्रोफोस्फेयर और फिर स्ट्रेटोस्फेयर होगा। उस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की ये एक लेयर है, ये जो येलो कलर की लाइन बनाई हुई है, ये किसकी मतलब कौन सा रीजन है? ऐसा रीजन है जहाँ पर ओजोन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके नीचे कम है, इसके ऊपर भी कम है, लेकिन यहाँ ओजोन बहुत ज़्यादा है। और ये ओजोन की जो लेयर अर्थ के चारों तरफ है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? ओजोन लेयर कहते हैं। अब ये करती क्या है? तो देखो, जब सन से रेज आती है तो उसमें रेज के साथ जो लाइट अपन को चाहिए, विजिबल लाइट, उसके साथ बहुत सारी हार्मफुल यूवी रेज भी होती है। देखो, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट लाइन शो की है जो अपन को चाहिए समझने के लिए, ठीक है। और ये जो अपने ऑरेंज कलर में लाइट देख पा रहे हो, रे देख पा रहे हो, वो मैंने हार्मफुल यूवी रेज को डिनोट किए। अब ये हार्मफुल यूवी रेज जो होते हैं, वो अपनी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, सारे एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है, ये अपन को क्या करती है? इस हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। कैसे बचाती है? देखो, यहाँ तक ये दोनों रेज आ रही थी, जो अपन को चाहिए और जो यूवी रेज थी, लेकिन इसके बाद देखो सिर्फ नॉर्मल रेज है। जो यूवी रेज है वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि ओजोन उसे क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन की जो लेयर है वो यूवी रेडिएशन को आगे नहीं पास होने देती, और नहीं पास होने देती यूवी रेडिएशन, अर्थ तक नहीं आती और अपन सेफ रहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि एट हायर लेवल ऑफ द एटमोसफियर देर इज अ थिक लेयर ऑफ ओजोन। हायर लेवल पे, एटमोसफियर के हायर लेवल पे एक थिक लेयर है, किसकी? ओजोन की। और ये लेयर किसके चारों तरफ है? ऑब्वियस थिंग है, अर्थ के चारों तरफ है। इस लेयर को अपन क्या कहते हैं? ओजोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर क्या करती है? एक शील्ड का काम करती है। और किससे बचाती है अपन को? अर्थ की सरफेस को, ह्यूमन को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा कि ओजोन क्या होता है? O3, ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर इसका नेचर कैसा होता है? ये पॉइजनस होती है, लेकिन अर्थ के चारों तरफ इसकी एक लेयर है, और वो लेयर से क्या होती है? यूवी रेडिएशन पास नहीं हो पाती। तो जब सन से जो रेज आती है वो इसमें से पास होती है, तो यूवी रेडिएशन इसको क्या करता है? ओजोन जो होता है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी रेज को आगे जाने देता है, जिससे अपन यूवी रेडिएशन से बचे रहते हैं। तो ओजोन का अपने फंक्शन हो गया, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो बनती कैसे। तो देखो, अपन सब जानते हैं कि अपनी अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ, ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? ऑक्सीजन ड्रॉ कर रहा हूँ। और अभी मैं मान लेता हूँ कोई ओजोन लेयर नहीं है। तो जब स्टार्ट में ऐसे ही हुआ होगा, कभी तो ओजोन लेयर बनी होगी। तो जब सन से रेज आती है यहाँ पर, तो उसके साथ अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है, और यूवी रेडिएशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो उसने क्या किया होगा? यूवी रेडिएशन ने ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया होगा, किसके अंदर? ओ और ओ, मतलब दो एटॉमिक ऑक्सीजन बना दी, और इसी एनर्जी का यूज करके ये ऑक्सीजन जो है बाकी की O2 जो नीचे के लेवल में ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्ट की। तो O2 और ओ मिलकर क्या बन गई? ओजोन बन गई, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो ये दो लेयर थी ऑक्सीजन की, इस लेवल पे यूवी रेडिएशन गिरी और यूवी रेडिएशन को क्या किया? इस लेयर की ऑक्सीजन ने यूटिलाइज किया, और किस में टूट गई? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये रेडिएशन तो यहाँ यूटिलाइज हो गई। अब ये ऑक्सीजन जो है, नीचे की जो ओजोन O2 थी, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन गैस जो थी O2 फॉर्म में, उसके साथ जुड़ी और क्या बना ली? ओजोन बना ली, O3 बना लिया। धीरे धीरे जो एक सर्टेन लेवल पे जो ऑक्सीजन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? ओजोन में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो यूवी रेडिएशन जो आती है, ये तो ओजोन में ही मतलब यूटिलाइज हो जाती है, इसका मतलब नीचे नहीं गई, और नीचे नहीं जा रही इसका मतलब नीचे अभी भी क्या रह गया? ऑक्सीजन ही रह गया, और सिर्फ इसके ऊपर एक सर्टेन लेवल पे ही ओजोन बनती गई। तो ओजोन बनने का क्या प्रोसेस होता है? यूवी रेडिएशन जो होती है वो ऑक्सीजन गैस को एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, और ओ जो है वो O2 से रिएक्ट करके O3 बनाता है। ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन अर्थ, ठीक है। द हायर एनर्जी ऑफ यूवी रेज कन्वर्ट द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इंटू एटोमिक ऑक्सीजन, और फिर दोनों जब कंबाइन होती है तो क्या बना लेती है? ओजोन बना लेती है, कोई तकलीफ नहीं। अब बात करते हैं कि ओजोन डिप्लेशन से अपना क्या मतलब है। तो इसको देखो आप सिंपल सा समझ सकते हैं। सपोज करो कि ये बहुत थिक सी एक लेयर थी, और किसी वजह से इस लेयर की थिकनेस ऐसी हो गई,
तो इसकी थिकनेस में कमी होने को क्या कहते हैं, डिप्लेट होना। और किसका डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन का, तो इसे कहेंगे ओजोन डिप्लेशन। द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉमनली कॉल्ड एज ओजोन डिप्लेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि इतनी इंपॉर्टेंट लेयर को डिप्लेट कौन कर रहा है, तो ह्यूमन की एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, ह्यूमन ने रेफ्रिजरेटर बनाए, एसी बनाए, जो फायर एक्सटिंग्यूशर है उन वो बनाए, और उनमें एक सब्सटेंस यूज किया जिसको कहते हैं CFC, और इसकी फुल फॉर्म होती है सी से क्लोरो फ्लोरो कार्बन। और ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो होता है वो एक मतलब ऐसा सब्सटेंस है जो सराउंडिंग में मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, ठंड क्रिएट कर सकता है। यही वजह इसे रेफ्रिजरेटर एसी में यूज किए जाते हैं। फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज करने का काम क्या है कि जब आग बुझ जाएगी तो आसपास टेम्परेचर कम कर पाएगा, तो इसलिए इसको बनाया गया और यूटिलाइज किया गया। लेकिन ये जो CFC जो अपन अर्थ पे यूज करते हैं, गैस है तो ऊपर उठेगी, और उठते उठते जब ओजोन लेयर के पास में पहुंची तो उस ओजोन लेयर की थिकनेस को इसने क्या किया, कम करना स्टार्ट किया। अब कैसे कम किया इसको मैं समझाता हूँ, अपनी बुक में है नहीं, अपनी बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि CFC कम करती है। कैसे करती है, ध्यान से सुनना। देखो CFC जो है इसका भी एक फॉर्मूला होता है, और ये एक क्लोरीन का एटम प्रोड्यूस करती है, और वो भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, इस पर आप लोड मत लो, आप समझो ये एक एक्टिव क्लोरीन है, और ये क्लोरीन क्या करती है, ओजोन लेयर की ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, और जुड़कर उसे एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, और इस प्रोसीजर में वापस सीएल डॉट भी बन जाता है। फिर ये दूसरा सीएल वापस, अभी तो ये काम तो आया नहीं, ये सीएल डॉट फिर ऑक्सीजन ओजोन के साथ जाएगी, उसे एटॉमिक ऑक्सीजन में बदलेगी और फिर सीएल डॉट बना लेगी। इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि एक क्लोरीन जो ये एटॉमिक मैं एक्टिव क्लोरीन बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि एक ओजोन को खराब कर रही है। एक सिंगल एक्टिव क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो करीब 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल को खराब कर सकता है। तो जो CFC अपन बनाते हैं वो ऊपर उठकर वहाँ पर जाकर एक्टिव क्लोरीन बनाती है और ओजोन को बिल्कुल ख़त्म कर रही है। तो धीरे धीरे ओजोन के लेयर की थिकनेस कम होती जा रही है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती जा रही है। और अगर ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी तो यूवी रेडिएशन नीचे आने लगेगी। अब आप कहोगे सर यूवी रेडिएशन से वापस ओजोन बन जाएगी, लेकिन ये टाइम लेगा, उससे पहले तो रोज ऐसा होता जाएगा तो रोज तो ये हाथों हाथों बन नहीं सकती, तो यूवी रेडिएशन कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और फिर यूवी रेडिएशन तो बहुत क्या होती है, एनर्जेटिक होती है, तो अपनी बॉडी को खराब करेगी। ये अपना ओजोन डिप्लेशन, और इसका कॉज क्या है, CFC। ठीक है, अब आगे देखो ओजोन होल समझते हैं। देखो होल का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो ये अर्थ है और हर जगह पर ओजोन की लेयर की थिकनेस कम हुई है। मैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन को ऑब्जर्व करूं और वहां थिकनेस कुछ जरूरत से ज्यादा कम है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर मैं ऐसा भी समझ सकता हूं वहां छेद हो गया, उसे क्या कहेंगे, ओजोन होल। तो डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसे ओजोन होल कहते हैं। और ऐसा होल जो है सबसे पहली बार 1985 में अंटार्कटिका पर क्या किया था, ऑब्जर्व किया गया। तो साइंटिस्ट बहुत वरीड हो गए, क्योंकि भाई अगर ओजोन होल हो जाएगा तो ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आने लगेगी, क्या क्या इफेक्ट होंगे अगर वो नीचे आएगी, तो अपनी स्किन पे गिरेगी तो स्किन जो होगी वो क्या कर सकती है, उसमें कैंसर हो सकता है, इवन और भी तरह के कैंसर हो सकते हैं। अगर आँख पे गिरेगी तो आईसाइट डिफेक्ट हो सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम वीक कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है। क्यों कर सकती है, देखो ऊपर जो सनलाइट आती है वो अपनी अर्थ की सरफेस को गर्म तो करती है, अगर यूवी रेज आएगी तो यूवी रेज जो होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो ज़्यादा गर्म करेगी, तो पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जो कि एक खराब चीज़ है। और प्लांट को भी अफेक्ट करेगी, उनकी लीफ वगैरह डैमेज हो सकती है, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकती है, और अगर प्लांट प्रोड्यूसर डैमेज होंगे तो फिर आगे के कंज्यूमर सारे इफेक्ट होंगे। यही वजह है कि अपन नहीं चाहते कि यूवी रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन अर्थ तक आए, और इससे अपन को कौन बचा सकता है, ओजोन बचा सकती है, तो अपन को इसको डिप्लेट होने से बचाना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि इसे डिप्लेट होने से कैसे बचाएं, तो देखो इसके लिए बहुत पहले एफर्ट किए गए थे। UNEP करके एक यूनियन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। इन्होंने 1987 में एक क्या बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई और सब नेशन को एग्रीमेंट करवाया
कि भाई आप सब लोग अपने यहाँ पर क्या करेंगे, जो CFC का प्रोडक्शन हो रहा है उसे लिमिट करेंगे और धीरे धीरे उसको यूज करना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि CFC की वजह से ही ऐसा हो रहा है। और बहुत सारी कंट्री उस समय इस एग्रीमेंट पे मतलब एग्री कर गई और धीरे धीरे अब तो ऑलमोस्ट सब एग्री कर चुके हैं। इसको मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, अपनी बुक में इसका नाम नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि 1987 में यूएनईपी ने ये डिसाइड किया कि भाई सीएफसी का प्रोडक्शन क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। सेकंड, अब ये मैंडेटरी कर दिया गया कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है रेफ्रिजरेटर वगैरह जब बनाएगी तो उसमें सीएफसी का इस्तेमाल नहीं करेगी। तो क्वेश्चन उठता है तो फिर क्या इस्तेमाल में करते हैं, तो एक सब्सटेंस मैं बताता हूँ, HFC का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये CFC जितनी हार्मफुल नहीं होती। तो ये अपने एफर्ट किए गए, CFC को कम किया गया और अगर CFC कम होगी तो फिर वो ऊपर जाकर अपना हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करेगी, ओजोन की थिकनिंग वापस ठीक होने लगेगी। ठीक है, तो ये अपने ओजोन के बारे में, ओजोन डिप्लेशन के बारे में, ओजोन होल के बारे में, अगर ओजोन होल बनता है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे और उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब था। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते और नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी का इफेक्ट देखते हैं एनवायरमेंट पे। एक तो अपन ने ओजोन डिप्लेशन देखा, एक अब देखेंगे कि अपन ह्यूमन अपनी एक्टिविटी से वेस्ट बनाते हैं और जो वेस्ट बनाते हैं, गार्बेज जो बनाते हैं, कचरा जो बनाते हैं, वो कितने तरह का होता है, क्या डिफरेंस है, वो सब अपन समझेंगे। ये समझने से पहले अपन एक चीज समझते हैं जो अपन ने अभी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन में भी बोली थी। एक टर्म होती है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन क्या है, तो एकदम सिंपल सी कि अगर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से किसी चीज को तोड़ा जा सके तो बायोडिग्रेडेबल, नहीं तोड़ा जा सके तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों कि कुछ को तोड़ा जा सकता है और कुछ को नहीं। इसका कारण अच्छे से समझना, ये जो पूरी थ्योरी लिखी हुई ये इसका कारण है। अपनी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि क्या कारण है कि कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसमें आप ये लिख सकते हैं। अब अच्छे से सुनना क्या है, देखो बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं उनको धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ते हैं और ये तोड़ने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, मतलब एक एंजाइम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को, एक तरह के मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है। जैसे मान लो मैं आपको कहूं लाइपेज एक एंजाइम है तो वो सिर्फ लिपिड को तोड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन को भी तोड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ सकता है। तो एक एंजाइम सिर्फ एक कैटेगरी वाले कंपाउंड को ही क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब उस बैक्टीरिया या फंगस के पास जितने एंजाइम होंगे, जैसे जैसे एंजाइम होंगे वो वैसी चीजों को ही स्मॉल टुकड़ों में तोड़ पाएगा और उन्हीं का ही डिग्रेडेशन कर पाएगा। तो नेचर में कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ह्यूमन ने बाद में बनाए थे, जो नेचुरल नहीं है ओरिजिन में, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक। और यही वजह है कि नेचर में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके पास इन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए या इन चीजों को तोड़ने के लिए एंजाइम है। तो क्योंकि इन चीजों को तोड़ने के लिए किसी के पास एंजाइम नहीं है तो इन चीजों को तोड़ा नहीं जा सकता बायोलॉजिकल प्रोसेस से। यही वजह कि ये चीजें कैसी हो जाएगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगी। वापस अच्छे से समझो, देखो बैक्टीरिया एंड फंगाई डिग्रेड द सब्सटेंस, इट मींस दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल, वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे यूज्ड एंजाइम फॉर दिस पर्पज, इसके लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। बट एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो कुछ चीजों को ही कन्वर्ट कर पाएंगे। इट मींस दे कैन डिग्रेड और ब्रेक डाउन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, इट मींस बैक्टीरिया एंड फंगस कांट डिग्रेड ऑल सब्सटेंस, सारे सब्सटेंस को नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को कर पाएंगे जिसका उनके पास एंजाइम है। और ऐसी चीज जिसका एंजाइम किसी के पास नहीं है उसे कोई नहीं कर पाएगा, तो फिर वो कैसे हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यही अपन ने लिखा, सब्सटेंस विच कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, जो एंजाइम बैक्टीरिया और फंगस के एंजाइम एक्शन से टूट जाएंगे या और कोई बायोलॉजिकल फंक्शन के एंजाइम से टूट जाएंगे वो बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं टूटेंगे वो कैसे हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आई बात, प्लास्टिक को क्यों बायोडिग्रेडेबल में नहीं रखा, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके पास प्लास्टिक को तोड़ने का एंजाइम हो। समझ में आई। अब जो सब्सटेंस दो तरह के होते हैं तो उनसे बनने वाला कचरा भी कितने तरह का होगा, दो तरह का। तो गार्बेज भी दो तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल।
इन दोनों में डिफरेंस पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन होते हैं, तो अपन डिफरेंस के पैटर्न में चलते हैं। सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे, वेस्ट और सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस से जिस गार्बेज को तोड़ा जा सके, डिग्रेड किया जा सके, उसे बायोडिग्रेडेबल, नहीं किया जा सके उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये वाले जो सब्सटेंस होते हैं, जब इन्हें नेचर में कहीं आप बाहर फेंक दोगे तो ये वहां इकट्ठा नहीं होंगे, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और उनकी अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये डिग्रेडेबल है तो टूटेंगे। लेकिन ये सब्सटेंस जो है, जब इन्हें आप जहां पर भी फेंक दोगे ये वहीं रहेंगे और इकट्ठा होने लगेंगे। जैसे आप एक पॉलिथीन का कचरा एक तरफ फेंक देते हैं और एक तरफ अपने घर में जो खाने पीने की चीजें होती है उसका जो कचरा होता है दूसरी तरफ फेंक देते हैं, थोड़े दिन बाद में आप देखेंगे कि वो जो खाने पीने की चीज थी वो पहले सड़ गई थी और फिर गायब हो गई, लेकिन दूसरी वाली पॉलिथीन की तरफ ना तो वो सड़ी ना वो गायब हुई, वो वैसे के वैसे रही। इसका मतलब ये एनवायरमेंट में परसिस्ट करती है, ये एनवायरमेंट पे परसिस्ट नहीं करती, इकट्ठा नहीं होती, सॉरी ये इकट्ठा नहीं होती है और ये इकट्ठा होती है, सॉरी ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है एनवायरमेंट में इकट्ठा नहीं होते। क्यों नहीं इकट्ठा होते? क्योंकि ये डिग्रेड हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो एनवायरमेंट में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। और इकट्ठा क्यों होने लगते हैं? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब क्योंकि ये इकट्ठा नहीं होते इस वजह से ये हार्मफुल तो है लेकिन कम हार्मफुल है, और ये ज्यादा हार्मफुल है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अभी अपन ने पढ़ा था, तो उसकी डेफिनेशन में अपन लिखते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जब फूड चेन में एंटर करता है तो वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन शो करता है। तो इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? ये, मतलब इनका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, सीवेज जो अपने घर में जो वेस्ट जो होता है अपना खुद का एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट वगैरह, वो एनिमल डंग, हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट जो अपने खाना पीना बनाते हैं उसका जो कचरा आता है, पेपर वगैरह, ऐसी चीजें जो ओरिजिन में नेचुरल हो, उन सारी चीजों को, उनका जो गार्बेज होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसे आएंगे जो ह्यूमन ने खुद ने बनाया, नेचर में पहले थे नहीं, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, पेस्टिसाइड, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर, ये सारों का जो गार्बेज होगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। अब क्वेश्चन उठता है, इन दोनों के हार्मफुल इफेक्ट बताइए। तो देखो ये लेस हार्मफुल तो होते हैं लेकिन फिर भी हार्मफुल होते हैं। क्यों? जब इसको आप कहीं पे फेंकोगे तो ये धीरे धीरे कम होंगे, और कम क्यों होंगे? क्योंकि ये डिग्रेड होने लगेंगे, और जब ये डिग्रेड होंगे तो वहां से बहुत बुरी स्मेल आएगी, तो ये बहुत बुरी स्मेल जनरेट कर सकते हैं ये वाला वेस्ट। ठीक है, और इस स्मेल के साथ कुछ गैस निकलती है, वो गैस जो है एनवायरमेंट को पॉल्यूशन भी कर सकती है, पॉल्यूटेड भी कर सकती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट दे सकती है। देखो अक्सर ऐसे ऐसे मतलब डिकम्पोजिशन से बायोडिग्रेडेबल का जो कचरा होता है उनके डिकम्पोजिशन से मीथेन निकलती है, वो अच्छी चीज भी है, मीथेन को अपन यूटिलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन यूज ना करें तो वो नेचर में ऊपर जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर सकती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो ये इनका क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया। और जहां पर अपन कचरा डालेंगे वहां पर बहुत सारा मतलब उसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया, वेक्टर्स ये आएंगे। देखो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो खुद डिजीज फैलाते हैं, उनको कहेंगे पैथोजन। और कुछ ऐसी चीजें आएंगी जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये खुद डिजीज नहीं फैलाते, ये डिजीज फैलाने वाली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, इनको कहते हैं वेक्टर्स। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल कचरा जो है इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा जिससे और बीमारियां फैलेगी, तो ये इसका क्या होता है? नुकसान होता है। यही वजह है कि ये कचरा भी अपन आसपास नहीं चाहते। इसका क्या नुकसान है भाई? ये तो ये सब चीजें नहीं करता। हाँ सही कहा, इससे ना तो कोई इस तरीके की कोई बीमारियां फैलती है, ना कुछ ऐसा होता है, ना कुछ स्मेल आती है। आप पॉलीथीन का कचरा फेंक दो वैसे ही रहेगा, उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ये ग्रो नहीं करते मतलब डिग्रेड नहीं होते, तो अगर इनमें से कोई कचरा जैसे कि डीडीटी अभी एग्जांपल बताया था, वो अगर फूड चेन में चला जाएगा तो धीरे धीरे मैग्निफाइड होगा और वो ऑर्गेनिज्म को मार भी सकता है। दे बायोलॉजिकल मैग्निफाइड एंड व्हेन एंटर इनटू फूड चेन कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, अभी अपन ने देखा भी था। और दूसरा मान लो देखो ये मतलब डिग्रेड नहीं हो रहे तो धीरे धीरे इनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। अब इतना गार्बेज का करेंगे क्या? तो फिर अगर इसे जलाएंगे तो जलाने से ऐसी हार्मफुल गैसें निकलेगी जो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर सकती है। एज दे कांट बी डिग्रेडेड देयर अमाउंट इंक्रीज डे बाय डे एंड पॉल्यूट वाटर सॉइल, और अगर जला दे तो वो टॉक्सिक और हार्मफुल गैसें प्रोड्यूस करती है। तो ये अपना डिफरेंस हो गया बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में। हालांकि एक और पॉइंट है, बायोडिग्रेडेबल को कैसे मैनेज करते हैं वो भी एक पॉइंट इधर लिख सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो दूसरी तरफ लिख सकते हैं। अब मैनेज का क्या तरीका अभी मैं समझाता हूं, ठीक है?
और एक चीज, और क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक तो ये हो गया, दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं। एक अपनी बुक में दे रखा है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से दो हार्मफुल इफेक्ट बताओ, ये रहे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के दो हार्मफुल इफेक्ट, ये रहे। ठीक है, एक अपने क्वेश्चन में है कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल या जो गार्बेज है उसे मैनेज कैसे करें, तो उसका तरीका अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। दो मैं आपको तरीके बताऊंगा, एक बायोडिग्रेडेबल का और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल का। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं उनको। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज कैसे करेंगे, मतलब कचरे को मैनेज कैसे करेंगे। मैनेज का मतलब उसे अपन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं जिससे वो कम हो। तो देखो, दोनों का अलग अलग तरीका है, बायोडिग्रेडेबल का अलग तरीका है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का अलग तरीका है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्योंकि डिकम्पोज हो सकता है, वो डिग्रेड हो सकता है, तो उसे आपको क्या करना है, उससे आप मैन्योर बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। कैसे, आप एक खड्डा खोद ले, जितना भी हो उसमें सब इकट्ठा कर दे और धीरे धीरे वो और सड़ेगा, उसके ऊपर आप कुछ ऐसे मतलब कचरा वगैरह बिछा दे या फिर कोई भी आप लकड़ी वकड़ी का कुछ ब्लॉक कर दे, मिट्टी वगैरह डाल दे, ताकि उसका जब वो डिग्रेडेशन चले तो आपको बाहर स्मेल ना आए, बैक्टीरिया वगैरह बाहर ना आए। जब वो डिग्रेडेशन से वो हो जाएगा तो जो चीज पीछे बचेगी उसे आप कंपोस्ट मैन्योर कहते हैं, और इसे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक, आपको हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल में नहीं करने पड़ेंगे। तो कचरे से अपन मैन्योर बना सकते हैं, एक। दूसरा, जो ये जो गोबर वगैरह होती है, काउ डंग वगैरह होते हैं, जो ऐसे डिग्रेडेड सब्सटेंस होते हैं जो घर से निकलते हैं अपने फ्रूट्स वगैरह के, जो वेजिटेबल वगैरह के, इन सबको आप सड़कर इनसे बायोगैस बना सकते हैं, और बायोगैस जो है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल में कर सकते हैं। वो गैस बन जाएगी, गैस बनने के बाद जो पीछे कचरा रहेगा उसे आप खेतों में डाल सकते हैं, मैन्योर की तरह इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या हो गया, मैनेजमेंट, आपका वेस्ट भी काम आ गया और पीछे कुछ बचा भी नहीं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या करें, तो उसके लिए 3R दिए रखे। क्या दे रखे, 3R। पहला R, 3R का मतलब R से रिलेटेड, मतलब R से स्टार्ट होने वाले तीन वर्ड ये बताते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या करना है। तो पहला तो है रिड्यूस। रिड्यूस ये कह रहा है कि ट्राई करो कि कम से कम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का इस्तेमाल में करें। दूसरा, रीयूज। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप उसे रीयूज करें। जैसे आप मान लो एक प्लास्टिक की बोतल आपके घर में आ जाती है, तो फिर आप उस प्लास्टिक की बोतल को क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, पानी भरने के लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं, कोई सामान रखने के लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं, रीयूज कर रहे हैं। रीयूज करने से क्या होगा, और बनानी नहीं पड़ेगी, और ये दोनों काम कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद रिसाइकल भी कर सकते हैं। रद्दी वाला आता है ना, उसको अपन प्लास्टिक की बोतल देते हैं तो वो लेकर चला जाता है, फिर वो उससे ही नई चीजें बनाएगा। नया प्लास्टिक नहीं बनाना, जो पहले से प्लास्टिक है उसी से ही नई चीजें बना लेनी। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने के लिए 3R का इस्तेमाल करते हैं, 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। आपकी बुक के पीछे एक क्वेश्चन है कि आप वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये तरीका, ठीक है। इसी के साथ अपने आज के वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 15 को कंप्लीट किया। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर हो गया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।